कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनकी जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनका निधन के बारे में। कबीरदास जी एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत अंधविश्वास से रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, जिनके उनके पदों में मिलता है। उन्होंने बुराई, एक दूसरे की बुराई के लिए भी मना किया। कबीरा खड़ा बाजार में, तब तो मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बहुत सारे उन्होंने दोहा लिखे हैं। समाज को काफी सुधारने का प्रयास किया है। उन्हीं के आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो आप काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़े। आइए चलिए। और एक बात और, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको नॉलेज मिलता जाए। आइए चलिए, कबीरदास जी का जीवन परिचय, सामान्य परिचय। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था काशी के लहरतारा गांव में 1398 ईस्वी को हुआ था। नीरू नीरू एवं नीमा जुलाहा दंपत्ति को तालाब के किनारे मिले थे। बाद में इन्होंने ही कबीरदास जी का नामकरण व पालन पोषण किया। इन्होंने ही इनका नाम कबीरदास जी रखा, कबीर रखा, और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। जो इनको तालाब के किनारे मिले थे, नीरू एवं नीमा, जो जुलाहा दंपत्ति थे मुस्लिम, उनको मिले थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लेई था, जिनसे कमाल एवं कमाली पुत्र एवं पुत्री दो संतानों की प्राप्ति हुई। दो संतानों की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीरदास जी जो थे वो निराकार को मानते थे और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसको नोट डाउन कर लेना, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा। जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक एवं कवि हैं, इन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर माना। और जो भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीरदास जी, तो इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं, ज्ञाना श्रेय शाखा के प्रतिनिधि, प्रमुख कवि हैं। निराकार निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा के, भक्ति धारा के एक महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं। जैसे काकड़ पातर जोड़ के मस्जिद बनी, मस्जिद लिए बनाए, ऐसे बहुत सारे इनके दोहे हैं, जिनको अगर माने तो काफी लोग सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। जैसी इंसान की आदत बन जाती, वो अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो मर जाए तो भी। इसलिए इंसान जिसको सुधरना है वो अपने आप भी सुधर जाता है, लेकिन जरूरी है बोलना भी। और वो काम कबीरदास जी ने, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने सामान्य परिचय पढ़ा, अब हम कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। रचनाएं ध्यान से पढ़ना। कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। जो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के ही तीन भाग साखी सबद रमेनी है।
जो बीजक है शीर्षक उसके ही तीन भाग हैं, ताकि शबद रमैनी। कबीरदास के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है। जो कबीरदास जी के जो पद हैं उनका संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक शीर्षक से किया है। निधन। कबीरदास जी का निधन सन 1519 को मगहर उत्तर प्रदेश में हो गया। जो निधन कहां हुआ था कबीरदास जी का? मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1519 में, और जन्म लहरतारा में, काशी के लहरतारा गांव में हुआ था 1398 ईस्वी में। ध्यान रखना, जन्म 1398 में, मृत्यु सन 1519 उत्तर प्रदेश मगहर में हुई, और जन्म लहरतारा में। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि अभी तक कबीरदास जी के जन्म तारीख दिन का कोई कभी विद्वानों ने उल्लेख नहीं किया। कृपया वीडियो को अच्छे से देखें, ना आए तो डबल से देखें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट करें, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।